नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र रघुवंशी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज भोपाल में अध्यापकों द्वारा आंदोलन किया गया, जहां पर उन्होंने विधानसभा का घेराव भी किया। और यहां पर कुछ अध्यापकों के संघों द्वारा, जो कि आपको मालूम है कि अध्यापकों के कई सारे संघ हैं जिनके माध्यम से मुख्यमंत्री जी के सामने अब समय समय पर मांगें रखी जाती रही हैं और कई भागों में ये सभी बटे हुए हैं। इनमें से कुछ संघों द्वारा आज भोपाल में हड़ताल का आयोजन किया गया, जहां पर उन्होंने विधानसभा का घेराव किया, रैली निकाली और एक संघ द्वारा मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया गया और वहां के माध्यम से उन्होंने अपना बयान जारी किया है, जिसमें आप जानते हैं कि जो अध्यापक नेता हैं भरत पटेल, उनके द्वारा फेसबुक पर अभी एक पोस्ट की गई है जिसमें उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो भोपाल में जो आंदोलन किया जा रहा है वो विपक्ष के इशारों पर किया जा रहा है। और वैसे देखा जाए तो आज भोपाल में जो संख्या उपस्थित थी उसको देखकर लगता नहीं है ये किसी विपक्ष के माध्यम से बुलाए गए हों, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या शायद ही कभी भोपाल में आंदोलन के दौरान देखी गई हो। लेकिन डिसाइड आप लोगों को करना है कि जो अध्यापकों का आंदोलन हो रहा है वो सही है या भरत पटेल जो बोल रहे हैं वो सही है। आपको किस बात पर विश्वास करना है, किस पे नहीं करना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं आप लोग जो कुछ भी सोचते हो। आपको हम भरत पटेल की पोस्ट दिखा देते हैं जिसमें उन्होंने इस आंदोलन के संबंध में क्या कहा है और मुख्यमंत्री ने इस आंदोलन के संबंध में क्या कहा है कि आदेश कब तक जारी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये पोस्ट है, भरत पटेल ने अपनी फेसबुक वॉल पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने बताया कि प्रिय अध्यापक संवर्ग के साथियों, आज दिनांक 24 जून 2018 को रानी दुर्गावती बलिदान दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से आज़ाद अध्यापक संघ के पदाधिकारियों की रानी दुर्गावती समाधि स्थल पर मुलाकात हुई, जिसमें मुलाकात के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि प्रदेश के अध्यापक संविदा शिक्षक गुरुजी संवर्ग के साथियों, आप सभी निश्चिंत रहें, आपके संवर्ग के हितार्थ जो भी आदेश जारी होने वाले हैं आप सभी के भविष्य के लिए लाभदायक ही सिद्ध होंगे। अन्य राज्यों की स्थिति में आपके जैसे भर्ती कर्मचारियों की वेतन एवं सेवा सुविधाएं बेहतर होंगी। आपके संवर्ग के लंबित आदेश विपक्ष के इशारे पर होने वाले धरना आंदोलन के समाप्त होने पर शीघ्र जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भरत पटेल ने जो पोस्ट की है उसमें उन्होंने यही बताया है कि मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि अभी जो धरना आंदोलन हो रहे हैं, क्योंकि ये धरना आंदोलन जो भी किए जा रहे हैं वो विपक्ष के इशारे पर किए जा रहे हैं और जैसे ये धरना आंदोलन समाप्त होंगे उसके बाद आदेशों को जारी किया जाएगा। तो आप लोग क्या सोचते हैं, कौन सही है कौन गलत है, आप ही डिसाइड कीजिए, कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।